खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ज़ाहिर भी बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। एक बात आपको बता रहा हूँ, आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा। 5 साल आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल मुकम्मल हो जाए तो 3 साल के लिए आप वहाँ से निकाल करके मदरसे में दाखिल करें। 3 साल के अंदर वो हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप उसको ट्यूशन कराइए। ट्यूशन में वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। आप कुछ नसीब बाप होंगे, आपका बच्चा स्कूल से पढ़ करके मास्टर बन गया, मदरसे से पढ़ करके हाफिज कुरान हो गया। दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल हो गया। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ज़ाहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बच्चों का पैगाम निकल गया। माँ बहनों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 पैगाम दूंगा माँ बहनों के हवाले का पैगाम होगा, पैगाम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरत को अपनी जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए। खैर, डिस्ब्रेक मार करके बहुत अकलमंदी का सबूत दिया है, वरना दाना पानी सब बंद हो जाता। बगल ही में है, सुन रही है और चैनल वाले दिखा भी रहे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुल्ला नसीर बहुत खूबसूरत आदमी, बीवी बड़ी बदसूरत है। बीवी से कहते हैं तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी ने कहा करे तुम तो खूबसूरत आदमी हो, आलिम आदमी हो, जन्नती हो, मैं तो बदसूरत हूँ, मैं कैसे जन्नती हो गई? तो जवाब दिया कि मैं जब तुमको देखता हूँ तो सब्र करता हूँ कि बदसूरत मिल गई, मुकद्दर में यही था। सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। जब तुम मुझको देखती है तो तुम खुश होती हो कि मुझे कितना अच्छा शोहर मिला, खूबसूरत शोहर मिला, शुक्र करती हो। जिस तरह सब्र करने वाला जन्नती, उस तरह शुक्र करने वाली जन्नती। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नवाब की बेगम से कि तुम मुझसे बड़ी बुजुर्ग हो। कहा मौलाना आप इस तरह बोल रहे हैं, मैं औरत होकर के आपसे बढ़कर के कैसे बुजुर्ग हो सकती हूँ? कहा मैंने 20 साल से लोगों को नसीहत किया कि बेवा औरत का निकाह कराओ, कोई भी नसीहत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपने जैसे ही कहा, औरत होकर के कहा कि बेवा निकाह करेगी तो इनाम मिलेगा, और बेवा निकाह करेगी तो जिंदगी का सामान होगा। सारी बेवा निकाह के लिए तैयार हो गई। अब बताओ कि मर्द से बढ़कर के औरत बुजुर्ग है कि नहीं है? तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत थानवी ने कहा कि देखो निकाह में जिस लड़की का निकाह हो रहा है 18 साल की लड़की वो दूल्हा से बढ़कर के है। कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है, दूल्हा से बढ़कर के वो लड़की कैसे हो सकती है, दुल्हन दूल्हा से बढ़कर के कैसे हो सकती है। तो हजरत ने बताया कि शादी से पहले उस लड़की के बाप का घर को अपना घर समझती थी, बाप के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती थी, बाप के दोस्त को अपना दोस्त समझती थी। जैसे उस नादान लड़की का निकाह हुआ वो अपने शौहर के घर को अपना घर समझती है, अपने शौहर को दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, अपने शौहर को दोस्त को दोस्त समझती है। तुमने कलमा पढ़ा खुदा के नहीं हुए, वो निकाह पढ़ करके शौहर की हो गई, शौहर से पढ़ करके औरत है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खानकाह के पीर से कहा गया कि हजरत आप बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बीवी को तो आपसे मोहब्बत नहीं है, वो तो बहुत बदतमीज है। तो हजरत ने जवाब दिया कि तुमने उसके एक ऐब को देखा है, उसके हुनर को नहीं देखा। उसको अगर मैं घर में बिठा करके जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा 20 साल के लिए भी, तो भी वो ताक झांच नहीं करेगी, जिना नहीं करेगी। इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे नफरत नहीं करता। मुरीद परेशान कि उस्ताद की बीवी परेशान करती है उस्ताद को। मुरीद ने कहा कि हुजूर आप तलाक दे दीजिए, मैं दूसरी जगह आपका निकाह कर दूंगा। तो कहा कि उसको अगर तलाक दूंगा वो निकाह नहीं करेगी, परेशान करेगी। अगर तलाक दे दूंगा दूसरी जगह निकाह करेगी, दूसरा परेशान होगा। मैं खुद तकलीफ पर सब्र कर लेता हूं ताकि ये भी परेशानी से बच जाए, वो भी परेशानी से बच जाए। 90 साल का बूढ़ा है, निकाह कर रहा है। लोगों ने मुंह पर हाथ रख करके ख्याल किया कि सूखी लकड़ी में कहां से दम आ गया। 90 साल का बूढ़ा निकाह कर रहा है। बूढ़ा ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं निकाह कितना जरूरी है। बूढ़े को दस्त आने लगा, कपड़ा और लुंगी में पखाना, घर में बदबू, बेटी भी आने के लिए तैयार नहीं, बहू भी आने के लिए तैयार नहीं। वो बीवी लुंगी भी बदल रही है, साफ कपड़ा पहना भी रही है, खिदमत पर मामूर है, खाना भी खिला रही है, दवाई भी खिला रही है। बूढ़े को बुढ़ापे में बीवी की खिदमत की जरूरत होती है, और खिदमत के मामले में जो खिदमत बीवी कर देती है वो बेटी से नहीं होती, वो बहू से नहीं होती। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप अपनी बेटी का निकाह शौक से कीजिए, लेकिन दीनदार से कीजिएगा। दीनदार अगर गरीब है तो दे दीजिए बेटी उसको, आपकी बेटी टूटे फूटे घर में सुकून से रहेगी। आप मकान दुकान को देख करके निकाह मत कीजिए, आपकी बेटी का मकान दुकान में जीना हराम हो जाएगा अगर लड़का दीनदार नहीं हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी उसके बारे में पता आपको, वो कौन थी, किसकी बेटी थी, मिस्र के बादशाह की बेटी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी। बादशाह से पूछने वाले ने कहा कि तुमने इस गरीब को कैसे बेटी दे दिया। कहा कि गरीब जरूर था लेकिन दीनदार था, इसलिए बेटी दे दिया। मेरी बेटी किसी गरीब के यहाँ जाए, दीनदार के यहाँ जाए, नौकरानी बने, ये इससे बेहतर है कि किसी दुनियादार के यहाँ रानी बन करके रहे। इसलिए मैंने अपनी बेटी को इस गरीब को इस ख्याल से दे दिया ये दीनदार है, दुनियादार नहीं है। ये वो औरत है कुर्बान जिसकी शराफत पर ये ऐसी माँ है, माए रश्क खाए जिसकी किस्मत पर ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की। इन्हीं के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेता है ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है।